इन्होंने एक अपराधी को शरण दी थी सर। ये इनका इलीगल अरेस्ट है, ये शासकीय कार्य में बाधा बनती ही नहीं है। मजिस्ट्रेट को लॉ नहीं समझता क्या? नहीं, वो कर सकते हैं। मेरा जो भतीजा है मेरे घर पे पहले से ही रह रहा है, इनको एड्रेस मालूम था, उसको शरण नहीं दी है। वो एक्यूज जरूर है, वहाँ पे जो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको इलीगल शरण दी है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट भी पुलिस नहीं कर सकती है, ये तो सर इंटर स्टेट का मामला है। 167 में भी ये लिखा हुआ है कि लोकल पुलिस का थाना प्रभारी गिरफ्तार करेगा। जब इन्होंने कस्टडी में लिया था तो ये तो कांस्टेबल थे और सादी वर्दी में थे। 41 में ये लिखा हुआ है कि वर्दी में होना चाहिए, उसका बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कौन सा पद है, जबकि ये उस दिन तो सादी वर्दी में आए थे तीनों ने। जब हमने इनसे पूछा अरेस्ट वारंट सर्च एंड सीजर का वारंट, इनके पास कुछ भी नहीं था। सबको कोर्ट आना पड़ता है, एक टिकट लेंगे तो आप अकेले ट्रेन में बैठेंगे, पूरा फैमिली नहीं बैठेगी इसमें। सर मेरे आर्गुमेंट सिर्फ लॉ पॉइंट पे ही हैं, आप मेरे को सुन के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल अरेस्ट है इसलिए शासकीय कार्य में आता ही नहीं है। सर जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग है वो अरेस्ट प्रोसीजर बताते हैं, अगर इनका इलीगल अरेस्ट प्रोसीजर है तो शासकीय कार्य में बाधा की एफआईआर लिखाई है इन्होंने रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 में। आपके खिलाफ? जी मेरी मिसेज और मेरे भाई और उनकी मिसेज के खिलाफ, 4 जनों के खिलाफ। इन्होंने एक अपराधी को शरण दी थी सर, ऑफेंस रजिस्टर्ड है अंदर 420, 467, 471। बार बार आरोपी को बुलाया जा रहा था थाने पे, ये प्रस्तुत ही नहीं हो रहा था। फिर जब मुलुंद से केस डायरी नहीं है इसमें? माय लॉर्ड, केस डायरी इज नॉट अवेलेबल, ओनली ऑन द प्रीवियस डेट माय लॉर्ड हैज डायरेक्टेड। आई एम सीकिंग बाय वे ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। कहां से आनी डायरी? तिलक नगर, इंदौर ओनली, इंदौर डिस्ट्रिक्ट ओनली। आपको कल पता लग गया था ना जिसमें केस लगा, कितनी देर लगती डायरी बुलाने? फिक्स डेट है सर, पहले से फिक्स डेट दी थी इसमें, फिक्स 24 जुलाई की जी सर, और ये दी थी 22/6 को। 22 मतलब बाय वे ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी? नहीं नहीं भाई, लास्ट अपॉर्चुनिटी। इसमें चालान भी पेश हो चुका है सर कोर्ट जनवरी में, केस रजिस्टर्ड हो गया है जनवरी में। आपके खिलाफ? हाँ, मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो अब चार्ज के खिलाफ रिवीजन लगाइए फिर आप? नहीं, अभी चार्ज वगैरह फ्रेम नहीं हुआ, समन्स ही नहीं हुआ है, मैं प्रेजेंट चार्ज अरेस्ट करिए फिर आप। सर चालान भी सबमिट हो चुका है लास्ट 3 डेट से। सर ये मेरी पिटीशन तो अप्रैल की है, करके बोलिए बीच में मत इंटरप्ट करिए। सर मैं लॉ पे रिलाय कर रहा हूँ कि ये इनका इलीगल अरेस्ट है, ये शासकीय कार्य में बाधा बनती ही नहीं है। और ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता क्या? जी सर, मजिस्ट्रेट को लॉ नहीं समझता क्या? नहीं, वो कर सकते हैं। क्यों नहीं सर? उन्होंने मार्च की डेट दे दी, मार्च की डेट दे दी। डायरेक्ट क्यों हाईकोर्ट जंप करना चाहिए? आपके पास दो रेमेडी है, मजिस्ट्रेट के सामने और सेशन कोर्ट के सामने। मार्च की डेट दे दी है बिना समन्स के, अभी तक समन जारी नहीं किया, और मार्च की डेट दे दी है 24 की। सर 7/4/22 की घटना है सर। चलिए बताए फिर, बहस करिए प्लीज, आर्ग्यू देन। लॉ पॉइंट बताइए क्या है? एंड आई विल आंसर लॉ पॉइंट सर, ये विल रिमेन ये है डिफेंड इन द ट्रायल। मेरा जो भतीजा है मेरे घर पे पहले से ही रह रहा है, इनको एड्रेस मालूम था, उसको शरण नहीं दी है। वो एक्यूज जरूर है, वहाँ पे जो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको इलीगल शरण दी है, क्योंकि उसका ये ज्ञात पता है। आपका सोचना है, लिखा हुआ है सर, इन्होंने 41 के नोटिस दिए हैं और उसमें सर क्वेश्चनमेंट की पिटीशन मेरे घर के एड्रेस से ही लगाई है, जिसपे इनको नोटिस हो चुका था, उसके बाद फिर ये अरेस्ट करने आए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट भी पुलिस नहीं कर सकती है, ये तो सर इंटर स्टेट का मामला है। 167 में भी ये लिखा हुआ है कि लोकल पुलिस का थाना प्रभारी गिरफ्तार करेगा, और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि ट्रांजिट रिमांड के लिए मैंडेटरी रूप से वो प्रेजेंट करेगा, और आफ्टर ट्रांजिट रिमांड जब सब इंस्पेक्टर साहब मांगेंगे मिलेगी तब ये कस्टडी में लेंगे। जब इन्होंने कस्टडी में लिया था तो ये तो कांस्टेबल थे और सादी वर्दी में थे। 41 में ये लिखा हुआ है कि वर्दी में होना चाहिए, उसका बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कौन सा पद है, जबकि ये उस दिन तो सादी वर्दी में आए थे तीनों ने। जब हमने इनसे पूछा अरेस्ट वारंट सर्च एंड सीजर का वारंट, इनके पास कुछ भी नहीं था, ये सीधे उसको मुलुंड ले जाने वाले थे। और इस बात का प्रमाण ये है कि मेरे एब्सेंस में दिसंबर में, ये सर 7/4/22 की घटना है, 28 दिसंबर को जब मैं ससुराल में शादी में था, हाईकोर्ट का वैकेशन था, ये आए और इलीगल अरेस्ट करके और फिर इसको सीधे मुलुंड ले गए बिना ट्रांजिट रिमांड के और सादी वर्दी में ही। उसके खिलाफ भी फिर पिटीशन हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई हुई है, और क्वेश्चनमेंट की पिटीशन भी बॉम्बे हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ये एफआईआर किस किस लोग के खिलाफ? मेरे मिसेस और मेरे बड़े भाई और उनकी मिसेस के खिलाफ, जो उसी दिन आए थे भाई भैया भाभी, क्योंकि मेरा भतीजा मेरे साथ इंदौर में ही रहता है। मॉर्निंग में मेरे भैया भाभी आए थे। आप अकेले ने लगाई है 482 और चाह रहे हैं कि बाकी सबके खिलाफ भी क्वेश्चन कर दी? सर एफआईआर क्वेश्चन होगी तो चारों के खिलाफ भी क्वेश्चन होगी। ऐसा नहीं होता, सबको कोर्ट आना पड़ता है। एक टिकट लेंगे तो आप अकेले ट्रेन में बैठेंगे, पूरा फैमिली नहीं बैठेगी इसमें। सेम लॉजिक अप्लाई किया, जो कोर्ट आएगा उसको रिलीफ मिलती, बाकी सबको नहीं मिलती। आप कह रहे हैं आपके खिलाफ और आपकी सारी फैमिली के खिलाफ भी कोई ऑथराइज, ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी की पिटीशन है क्या?
क्रिमिनल केस में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नहीं होता है, सबको आना पड़ता है। नहीं, मेरा भी नाम है सर, फर्स्ट पे तो मेरा ही नाम है, फर्स्ट एक्यूज, फर्स्ट हो लास्ट हो, जो कोर्ट आएगा उसको रिलीफ उसको सुना जाता है, बाकी को नहीं सुना जाएगा, बाकी के लिए एडमिशन मान लिया जाएगा अगर नहीं चैलेंज करेंगे। चलिए दैट्स ऑल, डायरी बुला लीजिए, हम देख लेंगे डायरी। कुछ कहना आपको, कहना आपको क्या कहना? सर हम तो पूरी प्रोसेस था, तिलक नगर थाने में हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, रोज नाम से में एंट्री है जो भी एफ आई आर में मेंशन है ना, हमने प्रॉपर तिलक नगर थाने, हमारे साथ में तिलक नगर थाने के कॉन्स्टेबल भी थे जो अरेस्ट करने गए, तो विक्रम, अच्छा इनके पिटीशन में लिखा हुआ है एनेक्सर पी एट के अंदर इन्होंने जो कंप्लेन दी है उसमें सर एनेक्सर पी एट और पैरा नंबर दो यह कि इस संबंध में सभी प्राधिकरण द्वारा तीनों लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया गया लेकिन सुनने को तैयार नहीं थे, विक्रम की गिरफ्तारी पर अड़े हुए थे। इस बीच में उनमें से एक व्यक्ति वहां से तिलक नगर थाने जाने का बोलकर चला गया और वो दो लोग वहीं रुके। इस बीच विक्रम उरगानी का जो घर पर था उसे कहीं काम से जाना था तो वह टू व्हीलर लेकर जाने लगा, ये जाने लगा नहीं सर, वो भाग रहा था, उसको देख लिया पुलिस वाले आ गए तो इनके घर से ऊपर था वो नीचे उतर के गाड़ी लेकर जाने लगा, इन्होंने उसको पकड़ा, इतने में ये लोग आए और इनके घर की लेडीज आई और हमारे जो कांस्टेबल थे उनके साथ मारा पीटी की गई है, इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने रिप्लाई में सबमिट की हुई है सर। मेडिकल रिपोर्ट सर इन्होंने 18/5 को मुलुंड में अपने एरिया में बनाई है। आपकी बहस हो गई ना? नहीं सर, आप मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें सर घटना दिनांक 4 दिन पहले की बताई गई है 18/5। सर हाईकोर्ट में कैसे अपीयर होते हैं वो सीखा है अभी, आप जब बहस करते हैं बीच में बोलेंगे? नहीं मैं उस पॉइंट पे बोल रहा हूँ सर, मेडिकल को मौका मिलेगा बोलने का, बीच में इंटरप्ट नहीं किया जाता। हो गया पूरा? और कुछ? हाँ जी हो गया सर, ऑलरेडी आप बुला लीजिए अमृत रोज नाम से, हम विल सप्लाई शॉर्ट और प्रोड्यूस करिए रिपोर्ट, क्लोज मैटर क्लोज। और कुछ कहना आपको? कौन सी नेक्स्ट डेट सर फिक्स है? नहीं नहीं, अब क्लोज जज ऑर्डर हो जाएगा, आपको सुन लिया, हम ऑर्डर कर देंगे डायरी देखिए ठीक।